हैं चलते चलते हमें ठोकर लग जाती है। बचपन में अक्सर हमें हमारे साथ ऐसे हादसा होते हैं। अब रास्ते में चलते चलते ठोकर लगी तो हमें उसे दर्द होता है, चोट लगती है तो वहाँ से खून निकलता है। फिर हम क्या करते हैं, रोते चिल्लाते और उस जगह पर कागज़ या फिर कपड़ा लेकर वहाँ पर उसको दबा के रखते से खून बंद हो जाता है। या फिर अम्मी को बताते हैं घर पे, अम्मी क्या करती है घरेलू इलाज के खोपरे का तेल लेती है, फिर राखी लेती है उस जगह पे डाल देती है और कपड़े से बांध देती है उस जख्म को। फिर उसके बाद जो है बच्चे हो हम खेलने में मसरूफ हो जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम घर से स्कूल में आ रहे हैं और स्कूल में आते आते जो है हमारे सहेली के साथ दोस्त के साथ झगड़ा हो जाता है, कोई बाल नोच डालता है हमारे या कोई नाखून से नकोल लेता है बाल के ऊपर तो वहां से खून निकलना शुरू हो जाता है। ये मामूली सी चोट है ना। इस चोट को हम जल्दी से घरेलू इलाज के तरीके से किस तरह से अच्छा करते हैं, तो अम्मी जो है उस पर फौरन हल्दी या फिर खोपरे का तेल या फिर रॉकिंग वगैरह लगाकर उसका 2-1 दिन में इलाज हो जाता है, हम अच्छे से खेलने कूदने लग जाते हैं। प्यारे बच्चों आपको पता है कि आप साइकिल चला रहे हो और साइकिल चलाते चलाते आपकी साइकिल डगमगा रही है और आप नीचे गिर गए तो फिर आपको चोट लगती है घुटने पर, हाथ पर, बाल पर, है ना। तो वहाँ पर चोट लगने से जो है वहाँ से खून निकलना शुरू होता है। फिर हम उन्हें बताते हैं तो उस वक्त हम जो है दवाखाने में ना जाते हुए घर पर जाते हैं। फिर हमारे टीचर को बताते हैं, हमारे टीचर जो है स्कूल में एक्स बॉक्स रहता है उसमें से सामान निकालते हैं, उसे मरहम पट्टी करते हैं और उसको जल्दी से अच्छा कर देते हैं। हम खेलने के लिए मसले मामूली मामूली सी जो है अमराज है। तो प्यारे बच्चों आज जो है हम जमाल चाहरुल की किताब माहौल का मुताया हिस्सा ए सबक नंबर 12 मामूली अमराज घरेलू इलाज इस सबक का मुताला करेंगे। इंशाल्लाह आने वाले वीडियोस में हम इस सबक का मुताला करेंगे। तब तक के लिए जो है आप अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।